हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी फ़ोन है तो रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑप्शन है तो हॉटस्पॉट को ऑन करके जो हमारे फ़ोन में क्यूआर कोड होता है उसको कैसे स्कैन करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है तो फ़ोन की सेटिंग ओपन आती है। तो हम अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट के क्यूआर कोड की मदद से किसी भी अदर फ़ोन में इंटरनेट वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा कनेक्शन एंड शेयरिंग पे। क्लिक करते ही कनेक्शन शेयरिंग ओपन आएगी, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, तो हॉटस्पॉट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सॉरी, इसको आप सबसे पहले इनेबल कर देंगे, ऑन कर देंगे, ऑन करते क्यूआर कोड आ जाएगा। तो क्यूआर कोड को स्कैन करें किसी भी अदर फोन में आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। जैसे हम एक फ़ोन ले लेते हैं, जैसे आप दिखाते हैं आपको, तो हमने एक फ़ोन ले लिया। तो इसमें आपको बैक करके वाईफाई पे जाना है, इस प्रेस करते वाईफाई पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको स्कैनर पे क्लिक करना है, क्लिक करते आप इस पर इस तरीके से स्कैन करते हैं तो वाईफाई नेटवर्क हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में हमारे पास से कनेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको इस पर क्लिक करते ही वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन में क्यूआर कोड की मदद से किसी भी अदर फ़ोन में वाईफाई इंटरनेट वगैरह को चला सकते हैं आप किसी भी अदर फ़ोन में। तो आपको वीडियो चलाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।